खबर जनपद चमोली से है, जहां राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट शनिवार को मोहनखाल चोपता तुंगनाथ सड़क की मांग को लेकर आंदोलनकारियों के धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क का समर्थन करते हुए कहा कि 1972 में मोहनखाल से कानातोली तक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है, इसका विस्तारीकरण होना आवश्यक है। और इस संबंध में भट्ट ने मुख्य वन संरक्षण के दूरभाष पर वार्ता की। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुख्य वन संरक्षण ने भी सड़क विस्तारीकरण के लिए कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इसके तहत ही राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के आश्वासन पर 13 अगस्त से मोहनखाल चोपता तुंगनाथ सड़क की मांग को लेकर चल रहा क्रमिक धरना स्थगित हो गया है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। आज मोहनखाल कमेटी में ये संघर्ष समिति कमेटी में जो है राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट जी पहुंचे थे और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से सांसद जी से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जो है फिलहाल उन्होंने धरना स्थगित कि वो वन विभाग द्वारा निर्मित सड़क है। कल मैं इस संदर्भ में मैंने प्रमुख जो वन संरक्षकों से मेरी वार्ता भी हुई है और मैं आज उनके बीच में जाऊंगा भी एक बार विषय पूरी तरह किस तरह से हैंडल हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों वन पर्यावरण के अनेकों कारणों से उस सड़क के निर्माण को रोका गया था। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि मैं चाहे भारत सरकार से संबंधित विषय हो, राज्य सरकार से संबंधित विषय हो, हम प्रयास करेंगे कि मोहनखाल चोपता जो मोटर मार्ग है उसको जो है चाहे वो हल्का वाहन मार्ग बन जाए, लेकिन कम से कम वहां से जो आवागमन प्रारंभ हो, क्योंकि वो लगभग 7-8 किलोमीटर सड़क कटी हुई है और इतनी सड़क अभी कटनी शेष है। वो सड़क कट जाएगी तो वो एक आवागमन रास्ता बनेगा। आपदा के क्षेत्र में वैकल्पिक मार्गों का होना बहुत जरूरी है, तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी वो मार्ग हमको एक सुविधा प्रदान करेगा।